हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ वो उस वक्त उपस्थित थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ, फिर 1986 आपके गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ जी वहाँ पर मौजूद थे। आज जब भूमि पूजन हो रहा था तो गोरखनाथ या गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मौजूद थे। ये महज संयोग है या मठ का वो सैक्रिफाइस है या फिर प्रभु राम का आशीर्वाद है? देखिए, प्रभु राम का आशीर्वाद और भारत के सनातन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, गोरखपीठ की प्रतिबद्धता इस बात को लेकर के आगे चलती है। देखिए कितना पुराना ये विवाद है, 1885 में भी इस मामले का समाधान हो चुका होता ब्रिटिश कालखंड में, नहीं होने दिया। उन्होंने घालमेल करके फैसला दिया, स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान, ये जो स्थान है ये राम जन्मभूमि है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश कालखंड था, वे समाधान नहीं चाहते थे क्योंकि ये एक मुद्दा था जो हिंदू मुस्लिम विवाद का कारण बन रहा था। बहादुर शाह जफर चाहते थे समाधान हो, लोगों ने नहीं होने दिया उस समय भी, और अंग्रेज नहीं चाहते थे उस समय। बाद में आगे के कालखंड में फिर ये हर 20-25 वर्षों के दौरान एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन चलता रहा। 1934 में फिर उस स्थान पर हिंदुओं ने कब्जा किया, वहां पर फिर से कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, भगवान राम की तस्वीर वहां पे लगा दी गई थी, सब कुछ हुआ। फिर 1949 में रामलला का प्रकटीकरण होता है, 1986 में ताला खुलता है, 1989 में कथित शिलान्यास का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा भी आयोजित किया जाता है, लेकिन मुद्दा मंदिर निर्माण का नहीं था, मुद्दा भगवान राम की जन्मभूमि का था और जन्मभूमि पर रामलला ही विराजमान होंगे, इसको लेकर के लड़ाई चल रही थी। मंदिर तो बहुत सारे हैं, भगवान राम के बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, सवाल मंदिर का नहीं है, हर एक मंदिर में भगवान है, विराजमान है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, सबका सम्मान है, लेकिन जन्मभूमि रामलला की जन्मभूमि, रामलला विराजमान वहां पर हैं, वह स्थान हमें चाहिए। लड़ाई उस बात को लेकर के थी, कांग्रेस वहां नहीं चाहती थी, उससे दूर चाहती थी, विवाद बना रहे इसी में कांग्रेस को हित दिखता था, इसलिए वह समाधान नहीं चाहती थी। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुझे लगता है कि हर भारतवासी के लिए गौरव का दिन है और दुनिया को एक संकेत है कि भारत की जनता भारत के संवैधानिक मूल्यों के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान कर सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।